हिंगोर जा मोम आई टी वी न्यूज़ के रिपोर्टर इश्फाक बुखारी की खबर शामिल कदे अवं के बुधाई तो हिंगोर जा जे गोठ इमाम बख्श डहरवासी डहर बिरादरी के गोठाणन जो सहता बिरादरी के बासर पुलिस खिलाफ खैर मोहम्मद आरेजा प्रेस क्लब अगैं एहतजाज सहता बिरादरी के मानून हिंगोर जा पीर गोठ के पुलिस से मिली कर कहानन जो इल्ज़ाम मढ़े असाजे नौजवान के बेगुनाह कत्ल किया है। गोठाणन जो साफ शिफाफ इंक्वायरी कराए इंसाफ कराने जो मुतालबो तफसील मूजिब हिंगोर जा लग गोठ इमाम बख्श डहरवासी डहर बिरादरी के मानून मोहम्मद पियल डहर अब्दुल खालिक डहर अली मोहम्मद डहर परवेजा खातून समेत खैर मोहम्मद आरेजा प्रेस क्लब अगैं एहतजाज कदे सहाफिन से गलाइंदे मुबैना इल्ज़ाम लगाइंदे तो एक हफ्तों अग असो नौजवान जाहिद हुसैन डहर गंबट के कोर्ट में हाजिरी त वापस मोटरसाइकिल पेंी अमड़ माइटी से वापस गोठ अची रो हो तो हिंगोर जा पुलिस सहता बिरादरी के बासर दोस्त मोहम्मद सेतो नदीम सेतो अयाज सेतो फहीम सेतो अमीर सेतो जी पुछते असाजे नौजवान के खंबे सहता बिरादरी के मानून हवाले किया हो। उन्होंने तो सहता बिरादरी के मानून असाजे नौजवान से कूड़ो कारण जो इल्ज़ाम मढ़े नौजवान के कत्ल करण बाद पीर कोर्ट की पुलिस हवाले कर छो जडे तो पीर कोर्ट की पुलिस असाजे नौजवान के पुलिस मुकाबलो डेखारे असाजे खून के लोड़न की कोशिश कर रही है जेका सरासर नाइंसाफी जुल्म है। उन मौके से उन्होंने SSP खैरपुर IG सिंध चीफ जस्टिस ऑफ सिंध समेत बिन वसवार के अपील की है तो खुदारा अड़े मामले जो नोटिस वी साफ शिफाफ इंक्वायरी कराई वे।